दोस्तों, मोबाइल फॉर्मेट या रीसेट करने के लिए आप अपने मोबाइल की सेटिंग पे जाइए सीधा। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा बैकअप एंड रीसेट, इस पर क्लिक कीजिए। दोस्तों, ये सब करने से पहले आप अपना कहीं बैकअप ले लेना कुछ भी डाटा का जो भी है, क्योंकि एक बार जो मोबाइल फॉर्मेट हुआ तो फिर मिलेगा नहीं। इस पर अब आपको फैक्ट्री डाटा रीसेट पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं इसको टिक करके रीसेट करूँगा तो जितना भी आपको मोबाइल का डाटा है, कॉन्टैक्ट है, नेम, एप्लीकेशन, सब कुछ डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, आपका पूरा का पूरा मोबाइल फिर से कि नया हो जाएगा एकदम, जैसा कि आपने जब लिया होगा जिस उस समय जो एप्लीकेशन वगैरह आपको आई होंगी, बस उतना ही डाटा आपको फिर से कि मिलेगा। इवन आपका व्हाट्सअप, फेसबुक वगैरह सब कुछ डिलीट हो जाएगा दोस्तों। तो ये मेरा डाटा डिलीट होने लगा सब कुछ, मतलब एक प्रकार से पूरा मेरा मोबाइल पूरा फॉर्मेट हो रहा है। दोस्तों, ये प्रोसेस कम से कम 5 से 10 मिनट भी हो सकती है, कि हर मोबाइल में अलग टाइप से प्रोसेस होती है। जैसे मेरे इसमें 2 मिनट में भी हो सकता है, 3 मिनट में भी हो सकता है। तो घबराए ना, इसको पूरा का पूरा होने दे, ठीक है। तो ये मेरा मोबाइल पूरा फॉर्मेट हो चुका है। देखिए, अब यहाँ पे जो डिटेल आ रही है, बस आपको ये भरना है, मतलब आपका ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है और आपका मोबाइल वापस से वैसा चालू हो जाएगा, शुरू से हो जाएगा। इससे आपको पूरे वायरस भी हट जाएंगे और कोई दिक्कत भी नहीं आएगी।